If an object is projected vertically upwards with speed half the escape speed of Earth, then the maximum height attained by it is. ठीक है भाई. तो जब हम लोगों ने escape speed से फेंक दिया तो वो बहुत दूर चली गई, है ना, इनफाइनाइट हाइट पे चली गई. और जब हम लोगों ने, मतलब वो पता नहीं कितनी दूर चली गई, जब हम लोगों ने आधी एस्केप वेलोसिटी से फेंका, तो ये लोग पूछ रहे हैं कि कौन सी हाइट तक जाएगा अबव द अर्थ सरफेस, यानी एच हाइट आपको यहां पे कैलकुलेट करनी है. तो अगर सेंटर से लेंगे तो एच प्लस आर पे जाएगा. ठीक है, तो यहां पे दो इक्वेशन हम लोग लेंगे, एक तो एस्केप वेलोसिटी वाली कंडीशन और एक एच हाइट वाली कंडीशन. यहां पे जो फेंका गया था वो एस्केप वेलोसिटी थी और मैं वी ही ले रहा हूं. ठीक है, वी मान लीजिए एस्केप वेलोसिटी है, वी ई बार बार ना लिखना पड़े. और यहां एस्केप वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टू है, तो एस्केप वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टू तो एस्केप वेलोसिटी से काफी कम है, तो ये थोड़ी ही हाइट पे जाकर रुक जाएगी. अब इधर पे हम लोग कंडीशन लगाएंगे कि इस जगह टोटल एनर्जी क्या थी, इस पॉइंट ए पे टोटल एनर्जी, और ये पॉइंट बी जो है वो इंफिनिटी पे है, ये पॉइंट ए जो है वो अर्थ पे है और पॉइंट सी जो है वो एच हाइट पे है. तो पॉइंट ए पे टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई. पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, जी एम एम डिवाइडेड बाई आर, ऐसे लेते हैं. और जब इसे इंफिनिटी तक फेंक दिया गया, पॉइंट बी जो है वो इंफिनिटी, बहुत दूर फेंक दिया गया, तो ना ही वहां काइनेटिक एनर्जी होगी और ना ही वहां पोटेंशियल एनर्जी होगा, मर्जी हो जीरो माइनस जीरो भी लिख सकते हो. तो ये एक तरीके से ये पहले वाली कंडीशन के लिए इक्वेशन बन गई. अब दूसरी सिचुएशन के लिए इक्वेशन बनाते हैं. अब वेलोसिटी आधी कर दी गई, हाफ एम, तो वी की जगह क्या लिखेंगे, वी बाई टू लिखेंगे. याद रखिए वी एस्केप वेलोसिटी है इस जगह, तो यही काम होगा, है ना. पॉइंट ए पे तो इसी तरह से कुछ अपनी टोटल एनर्जी आएगी, ये रही काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्टली वैसी ही आ जाएगी. यहां पर अब पॉइंट सी तक पहुंचा रहे हैं, तो आपसे बोल रहा है कि मैक्सिमम हाइट, यानी कि जब ये फेंकते अब इस जगह वेलोसिटी जो है जीरो हो गई, जीरो काइनेटिक एनर्जी है इस जगह. लेकिन भाई सी पॉइंट जो है वो इंफिनिटी तो है नहीं, बहुत दूर तो है नहीं, तो बहुत दूर नहीं है, तो h हाइट पे है, h प्लस r के हिसाब से यहां पे पोटेंशियल एनर्जी होगी, माइनस जी एम एम एच प्लस r. यहां पे देखिए, इधर भी आप लिख सकते थे जी एम एम डिवाइडेड बाई इंफिनिटी, ये डिस्टेंस जो है वो इंफिनिटी है, तो जी एम एम डिवाइडेड बाई इंफिनिटी जीरो हो गया, इसलिए मैंने यहां पे सीधे जीरो लिख दिया था. तो अब अच्छा, बाद में हो सकता है कि आपको एस्केप वेलोसिटी का v इज इक्वल टू अंडर रूट टी टू जी आर की जरूरत पड़ जाए, तो बाद में यूज कर लेंगे, अभी फिलहाल इसी से करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में तो कुछ खास है नहीं, ये इस तरफ चला जाएगा. लेकिन सेकेंड इक्वेशन को देखिए, यहाँ पे वन बाई टू, मतलब टू का स्क्वायर है, तो ये बाहर आ जाएगा, वन बाई फोर इंटू हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकता, है ना, इस 2 के स्क्वायर को मैंने यहां ले लिया. अच्छा, माइनस जी एम एम बाय आर, माइनस जी एम एम बाय एच प्लस आर. ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, चाहे तो आप ये 2gr फिर gm और वो सब कर सकते हैं, और चाहे तो ये वाला यूज कर. देखिए, हाफ एम वी स्क्वायर की जगह मैं प्लस जी एम एम बाई आर लिख सकता हूं, यही करूंगा मैं, जी एम एम बाई आर माइनस ये, यहां से यहां कैसे लिख दिया, इसकी वजह से. ठीक
ठीक है, H प्लस आर। अब आप क्या कर सकते हैं, GMM को थ्रू आउट काट सकते हैं कॉमन लेकर। अब ये क्या है यार, 1/4 माइनस वन है कि नहीं है? अरे भाई आप 1/r कॉमन ले लीजिए, उसमें से 1/4 माइनस वन की बात हो रही है यहां पे, तो 1/r कॉमन ले लिया, 1/4 माइनस वन, और ये माइनस 1/h+r। मैं लिख बहुत ज्यादा रहा हूं, बहुत बच्चे यहां पे स्टेप गायब कर सकते हैं थोड़े बहुत, क्या फर्क पड़ता है, सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा मामला, ठीक है। अब आप क्या करिए, 3 × h+r, तो 3h 3r, और ये क्या हो गया 4r, हमें निकालना क्या था, h निकालना है, 3h = kr, h = r/3। तो हमें v = √2gr की जरूरत नहीं पड़ी। एक और तरीका था, एक और तरीका ये था कि आप v = √2gr है और g = gm/r² होता, तो एक जी आर यहां बुला लेते, एक आर इधर दे देते, gm/r। मतलब कुछ लोगों को तो यार ये भी फॉर्मूला याद होता है, तो जिनको बहुत याद रहता है उनका तो बात ही अलग है। तो 2 gm/r, ये भी एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते थे कि इस जगह v/2 की जगह आप ये v वाला रख देते और डिवाइड बाय 2 करके सॉल्व करते जाते, फिर gmm, फिर आप थोड़ी देर बाद यहीं पहुंच जाते और फिर इतना आपको करना पड़ता। तो दोनों ही मेथड एक ही जैसे हैं।